नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शरद चौधरी और आप सभी का स्वागत है अवेयरनेस टेप में। तो दोस्तों, आप मेरी स्क्रीन पे विंडोज़ 10 की इंस्टॉलेशन स्क्रीन देख सकते हैं, जिसमें कि कोई पार्टीशन विजिबल नहीं है। इसके ऊपर के इंटेल के 11 जेन प्रोसेसर, 12 जेन और 13 जेन प्रोसेसर्स पे ये एग्जैक्टली इशू क्या है, ये क्यों होता है, इसका फिक्स मैंने एक वीडियो में बताया था, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेकिन मुझे काफ़ी कमेंट्स रिसीव हुए कि अब लोग उस पर्टिकुलर VMD ड्राइवर को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो सारे पार्टीशन हमें शो हो रहे थे। तो इस वीडियो में हम उसी पर्टिकुलर चीज़ का फिक्स लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स पढ़े, जैसे कि मैंने बोला, एंड मैंने खुद वेबसाइट को रिसर्च किया, जो वेबसाइट मैंने पुराने वाली वीडियो में दी थी। तो वहाँ मैंने पाया कि यस, वहाँ से ड्राइवर्स का लिंक जो है वो गायब हो चुका है। एक बस EXE फाइल का डाउनलोड लिंक वहाँ पे अवेलेबल है। तो मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया, करीब 1-2 घंटे की मशक्क़त के बाद मुझे जो है फाइनली फ़िक्स मिला, और मैं इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ वो फ़िक्स शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, कोई भी पार्टीशन विजिबल नहीं है। नाउ मैंने उन ड्राइवर्स का लिंक जो है, डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या तो आप वहाँ से उसको अपनी पेन ड्राइव में डाल के वहाँ से आप इस पर्टिकुलर स्क्रीन से उनको नेविगेट कर लें, ब्राउज़ कर लें। नहीं तो सबसे बेस्ट तरीका, गाइस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ड्राइवर्स अपडेट होते रहते हैं, तो जो भी मैं ड्राइवर का डाउनलोड लिंक दूंगा वो कभी ना कभी आउटडेट हो जाएगा। उससे बेस्ट पॉसिबल तरीका क्या है, जो मैं दूसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ, उसके लिए आपको एक वर्किंग कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हो, विंडोज़ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो। ठीक है, तो अब मैं अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पर आता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आप मेरा डेस्कटॉप देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपको इन फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए, VMD के ड्राइवर्स डाउनलोड करने के लिए आपको एक वर्किंग कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ हो, विंडोज़, और आप उसको एक्सेस कर पाएँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कमांड है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ पर ये कमांड देख सकते हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है। ठीक है, वी गोना यूज़ इट लेटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्रोम ओपन कर लेना है। क्रोम आपने ओपन कर लिया, यहाँ पे वही आपने डालना है, इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ड्राइवर। ठीक है, एंटर प्रेस करना है। यहाँ पे सबसे पहला लिंक जो खुलेगा, चिंता मत कीजिए, सारे के सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो सबसे पहला लिंक हमको ओपन करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं कि वो पर्टिकुलर जो ड्राइवर्स हैं वो गायब हो गए हैं। वो एक्चुअली गायब नहीं हुए हैं, इन्होंने सेटअप के अंदर ही हाइड कर दिए हैं। ठीक है, तो मुझे ये पता लगा रीडमी टेक्स्ट फाइल से। मुझे 1-1.5 घंटा, गाइस सीरियसली, मुझे भी फिगर आउट करने में लगा कि ये क्या हो गया है। पहले तो ड्राइवर्स अवेलेबल थे जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी, लेकिन अब वो ड्राइवर्स डायरेक्टली हमें विजिबल नहीं है। तो उसका ही सॉल्यूशन इस वीडियो में है, आप देखते जाइएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो डाउनलोड सेटअप rst.exe है, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा था तो इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, कोशिश करना कि आप इसको डाउनलोड या डेस्कटॉप में ना डाल के किसी पर्टिकुलर अदर ड्राइव में डालो, सी ड्राइव के अलावा। ऐसा नहीं है कि वो सी ड्राइव में वर्क नहीं करेगा, सी ड्राइव में वर्क करेगा, बट टू मेक द प्रोसेस सिंपलर मैं आपको रिकमेंड करूँगा। जैसे कि मेरे पास एफ ड्राइव है, मैंने इसको चूज़ कर लिया, सेव कर लिया, स्टार्ट डाउनलोड, तो वो फाइल मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जाएंगे उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, ड्राइव के अंदर, सॉरी, ये एफ ड्राइव है मेरी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप RST, ये एक EXE फाइल है गाइज। अब इंटेल ने क्या किया है, इंटेल ने इसी सेटअप के अंदर वो फाइल्स जो हैं, जो VMD के ड्राइवर्स हैं, वो जो हैं इनक्रिप्ट कर दिए या हाइड कर दिए, आप एक तरीके से कह सकते हैं। तो उनको आप एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए ये कमांड पूरी काम में आती है। इस कमांड को आप कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, CMD स्टार्ट में टाइप करेंगे, इस ब्लैक स्क्रीन को, ये ब्लैक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। तो अभी आप करंट पाथ देख सकते हैं, मैं कहूँ सी यूजर्स शरद। ठीक है, ये करंट पाथ है, लेकिन हमको जाना है यहाँ पे। तो
ये है हमारा एफ ड्राइव में। तो किसी भी ड्राइव में हम जाते कैसे हैं जिनको नहीं पता है, ड्राइव का लेटर एंड कोलन एंड प्रेस एंटर। आप उस ड्राइव में एंटर कर चुके हैं इन द कमांड प्रॉम्प्ट विंडो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सीधे सीधे कमांड पेस्ट कर देनी है, ठीक है। मैं साइड बाय साइड आपको दिखाता रहूँगा गाइस, और एंटर प्रेस कर देना है। ये कुछ ऐसा इंटेल रैपिड स्टोरेज टेक्नोलॉजी का एक लोगो आया, और आप देख सकते हैं कि उसके सारे कॉन्टेंट्स जो हैं एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। ये इसी मेथड से जो है एक्सट्रैक्ट होगा और किसी मेथड से एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। आपको क्या करना है, फिर इसको ओपन कर लीजिए, ठीक है। और ये जो विंडोज़ 10 हाइफन x64 बिट वाला फोल्डर है, इसको डायरेक्ट उठा के आप पूरा का पूरा जो भी आपकी यूएसबी ड्राइव है जिसमें आपकी विंडोज इंस्टॉलेशन प्रेजेंट है उसमें आप कॉपी कर दीजिए। और यहाँ पे गाइज मैंने अपनी पेन ड्राइव प्लगइन नहीं की थी, अब मैंने कर ली है। आप लोग अपनी पेन ड्राइव पहले से प्लगइन कर लीजिएगा या बाद में भी प्लगइन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आपको ये फोल्डर जो है कॉपी करना है और पूरा का पूरा अपनी पेन ड्राइव के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हम दिस पीसी पे जाएंगे। ये है मेरी पेन ड्राइव जिसके अंदर ऑलरेडी विंडोज 10 का सेटअप है। तो इसको हमने ओपन किया और यहाँ पे हमने वो पर्टिकुलर फोल्डर जो है पेस्ट कर दिया है। नाउ अब नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। अब मैं आपको इंस्टॉलेशन स्क्रीन दोबारा दिखाता हूँ जहाँ पे हमें वो पार्टीशन विजिबल नहीं हो रहे थे। ऑलराइट गाइस, सो हम अपनी इंस्टॉलेशन स्क्रीन पे दोबारा आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी उस पर्टिकुलर ड्राइवर को लोड करते हैं ताकि आपको अपने पार्टीशन जो है विजिबल हो सकें और आप विंडोज इंस्टॉल कर सकें। लोड ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे। ये रही आपकी पेन ड्राइव जिसमें जो है मेरा विंडोज 10 का सेटअप है और वो पर्टिकुलर फोल्डर जो हमने इसमें कॉपी किया था। इसको एक्सपैंड करेंगे। नाउ इस एंटायर फोल्डर को सिलेक्ट करके करने की बजाय आप इसको एक्सपैंड करेंगे। ये 15063 दिखेगा, इसको भी एक्सपैंड करेंगे, ड्राइवर्स को एक्सपैंड करेंगे। यहाँ पे आपको VMD दिखेगा। तो या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं कि खाली VMD वाला फोल्डर ही डाल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे नहीं पता क्योंकि रेड ड्राइवर्स की भी किन्हीं बंदों को ज़रूरत पड़ सकती है, तो मैंने एंटायर फोल्डर जो है कॉपी करके डाल लिया। यहाँ पे आपको जो सिलेक्ट करना है वो VMD सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फाइल्स हमें आ चुकी हैं, तो ऊपर वाला ही सिलेक्टेड रहने दीजिएगा। एंड नेक्स्ट हल्का सा टाइम लेगा गाइस, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसके बाद आपके पार्टीशन जो है विजिबल हो जाएंगे। सो जैसे कि मैंने बोला ये टाइम ले रहा है, लेट्स सी। एंड एक चीज़ और गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सारे पार्टीशन जो है शो हो चुके हैं, आप अपनी विंडोज़ वगैरह नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो गाइस मेरी एक रिक्वेस्ट और है, अगर आपकी इस वीडियो से मदद हुई है तो प्लीज़ एंड प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये इंटेल के 11, 12 और 13 जेन में काफ़ी बड़ा इशू है। लोग अपनी विंडोज़ को रीइंस्टॉल नहीं कर पाते हैं या रिपेयर नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, हम अपने डिवाइस को ही एक्सेस नहीं कर पाते हैं। वीडियो से गाइज मदद हुई हो तो लाइक कर देना, नहीं मदद हुई तो डिसलाइक कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को जैसे मैंने बोला शेयर कर देना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही कूल टिप्स और ट्रिक्स लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।